Hello students, in this class we are going to discuss the appreciating text and all the exercises of the same chapter which is what or the MCC. इसके जो पहले मैंने वीडियो बनाया था इसमें मैंने आर के नारायण द्वारा लिखित तो MCC जो उनका नॉवेल है दैट इज़ यू नो MCC द शॉर्ट चैप्टर ऑफ हिज वर्क. उसमें हमने अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट और क्वेश्चन आंसर को डिस्कस किया. क्वेश्चन नंबर 1 to 9 हैव बीन ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड अपलोडेड ऑन माय चैनल दैट इज़ द पार्ट 1 एंड इन दिस वीडियो वी शैल बी लुकिंग फॉर द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ पार्ट 2. और इस वीडियो में हम लोग बाकी के एक्सरसाइजेस और अप्रिशिएटिंग द टेक्स्ट ऑफ द सेम चैप्टर का डिस्कस करेंगे. तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं. ये देखिए अप्रिशिएटिंग द टेक्स्ट आपकी बुक पेज नंबर 6 पे दी हुई है. इस पे कह रहा है कि हाउ डज द राइटर ब्रिंग आउट द ह्यूमर इन द टेक्स्ट. थिंक अबाउट टू कैरेक्टर्स से हाउ दे थिंक अबाउट देयर क्लब अबाउट देयर टीम व्हाट दे थिंक what they know about setting up a club, about government, about taxes, and what you as the reader know to be actually true. Question number dusra hai, how is a popularity of the game of cricket brought out by the writer, why this is important to the story, how does it make the story enjoyable even the for the readers of today. तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ डज द राइटर ब्रिंग आउट द ह्यूमर इन द टेक्स्ट. ठीक है, तो देखिए द राइटर ब्रिंग्स आउट द ह्यूमर बाय हैविंग टू कैरेक्टर्स हु एक्ट टू मैच्योर फॉर देयर एज इंटरैक्ट विद ईच अदर. बोथ स्वामीनाथन एंड राजन डू नॉट हैव द स्लाइटेस्ट आइडिया अबाउट स्टार्टिंग अ क्रिकेट क्लब एंड रनिंग इट. ऑल्दो राजन हैज मोर नॉलेजेबल about cricket than Swaminathan, Rajam is more grounded in realizing that starting a cricket club was not a simple affair as he had thought it would be. But Swaminathan continues to act like an adult, worrying about taxes and amount of fraud and treason. The characters oscillating between being children and acting like adults is what makes this story so funny. Also we as readers know that they are overthinking everything and are that they are incorrect in what they think. They know about taxes. This two adds to the humor. So these humors we can see with the help of these two characters. Question number 2, how is the popularity of the game of cricket game brought out by the writer, why is this important to the story, how does it make the story enjoyable even for the reader of today. So the popularity of the game is shown is how two young children in a small village know about cricket, the famous players of the time, and how schools had cricket teams and in a school tournaments. This is important to the story because the procedure involves in setting up a cricket club relies heavily upon the popularity of cricket. Even today, cricket is one of the most popular sports in India, with youngsters dreaming of representing the nation. Hence, reading about two young boys who are passionate enough about the game to want to create a club makes the text enjoyable. Okay. इसके बाद ग्रामर और यूसेज, यहाँ से आपके एक्सरसाइजेस शुरू होते हैं भाई. ठीक है, तो आपको देखना है यहाँ पे जो एक्सरसाइज है इसको रीड करिएगा बच्चों. ये नाउन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देगा. नाउन से रिलेटेड सारी एक्सप्लेनेशन मेरे चैनल पे अपलोड है, आप एक्सप्लेनेशन को देखिए और उसके बाद से अपने आंसर्स को कॉपी करिए. ठीक है, यहाँ पे देखिए अंडरलाइन द काउंटेबल नाउन
दीज सेंटेंस एंड राइट 1, 2, 3। देखिए रूल्स यहाँ पे दिया हुआ है तीनों, आप इसको पढ़िए डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। जैसे फर्स्ट है देयर इज अ ग्रेन ऑफ ट्रूथ इन वॉट ही सेज, रूल 2 यहाँ पे बता रहा है। दूसरा है यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस इज अ गुड टीचर, तो यहाँ पे नाउन सिंपल एक्सपीरियंस है, ये रूल फर्स्ट होगा, रूल 1 होगा। कुछ बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे कि मैम राइटिंग क्लियर नहीं होती है, तो इसके लिए मैं अलग से आपके आंसर्स को टाइप भी करती हूँ, आप उसको भी चेक करिए प्लीज़। फिर है यहाँ पे देयर फैमिली हैज बीन इन बिजनेस फॉर मेनी ईयर्स, यहाँ पे जो यहाँ पे एक्सपीरियंस हो गया, यहाँ पे बिजनेस हो गया। नाउन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पुट आउट फायर विदाउट एन एग्जीक्यूशन एक्सटिंग्विशर, यहाँ पे फायर हो गया। द कमिंग मंथ आर द पीरियड ऑफ एक्साइटमेंट, यहाँ पे एक्साइटमेंट हो गया, पीरियड ऑफ के साथ आया। देखिए अभी रूल्स मैं आपको बता रही हूँ। सीवीड इज अ वाइडली यूज्ड कंपोनेंट्स इन शैम्पू दीज डे, सीवीड यहाँ पे है। इट वाज अ फ्रेंडशिप यहाँ पे नाउन है। ही रिसीव्स अ शावर ऑफ प्रेज फॉर हिज न्यू बुक, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए शावर ऑफ प्रेज को दिखा रहा है, जिसके सारे आंसर्स आप देखिए बच्चों। जो ए है वो अनकाउंटेबल नाउन है, दैट इज़ व्हाट एक्सपीरियंस, ये रूल नंबर 1 को शो कर रहा है। सेकंड जो अनकाउंटेबल नाउन वो क्या है, बिजनेस, ये भी रूल नंबर 1 को शो कर रहा है, अभी मैंने बताया। थर्ड जो है वो फायर, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है, रूल नंबर 1 को शो कर रहा है। और फाइव जो है वो एक्साइटमेंट, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है बट ये रूल नंबर 2 को शो कर रहा है अनकाउंटेबल। फिर नाउन सीवीड, ये रूल नंबर 1, दैट इज़ व्हाट अनकाउंटेबल नाउन। फ्रेंडशिप इज अगेन अनकाउंटेबल नाउन, रूल नंबर 3। एंड द लास्ट इज़ प्रेस, रूल नंबर 2 को बता रहा है अनकाउंटेबल नाउन है। अपनी बुक में वो रूल्स पढ़िए, आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी देखिए बी पूछ रहा है कंप्लीट दिस सेंटेंस ऑफ दिस सुटेबल इनडेफिनिट प्रोनाउन फ्रॉम द बॉक्स, इनडेफिनिट प्रोनाउन पूछ रहा है भाई। समटाइम्स समथिंग टेल्स मी दैट इट, देखिए पहला तो दिया है वैसे बात करना कोई मतलब नहीं है। दूसरा है हैज सीन माई ग्लास, तो हैज के साथ एनी वन लगा दीजिए, हैज एनी वन सीन माई ग्लास, ठीक है। दूसरा है आई डू नॉट थिंक दैट विल फिट टू, कुड आई ट्राई, देखिए अनदर लिखा है तो यहाँ पे अनदर लिखिए, अनदर प्लीज। मेनी पीपल हैव वॉच्ड दिस फिल्म बट के बाद बट, यहाँ पर देखिए फ्यू है तो फ्यू लगाइए, बट फ्यू हैव लाइक इट। आई डोंट हैव मैनी म्यूजिक सीडीज बट नीतू हैज सेवरल, ये देखिए यहाँ पर सेवरल दिया है ना, तो नीतू हैज सेवरल, ठीक है। डैश कैन सरप्राइज